बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा वारो, आऊं अमाजी सिंधिया जी टीचर आया। अज असी पंजो मजमून सिंधी सबक सिंधी क्लास दही लाए पढ़ंदासी। हिन मां असांजो अज जो सबक सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीफ़ आहे। हिन जो पहिरियों लेक्चर पूरो थियो। हिन वक्त असी हिन सबक जो बियो लेक्चर तव्हांखे ॿुधाईंदी। सब खां पहिरीं आऊं सबक जी वज़ाहत कंदी। हिन सबक मां अॻे हिन लेक्चर मां हिन सबक जो छा छा काम शामिल आहे। वज़ाहत, सिंध मां कलहोड़नि जी दौरे हुकूमत खां पोइ सालपुरनि जो दौर शुरू थियो। हिन जे दौरे हुकूमत 1782 खां शुरू थियो। हिन दौर जो अदीब शाइर सचल सरमस्त हो, जिन्हनि सिंधी ज़बान खां सवाइ फारसी, उर्दू, हिंदी, सराइकी ऐं ॿियनि ज़बाननि मां बशेर थियो आहे। संदसि कलाम आरिंदी ऐं बेबाकी कैफ़ ऐं दिलकशी आहे। हिन दौर जो ॿियो वॾो शाइर सैयद साबित अली शाह आहे, जिन्हनि पहिरियों पीरो सिंधी ज़बान मां मर्सीअ जो रवाजु वधो। प्यारे बच्चों, सिंध में कलहोड़ों का दौरे हुकूमत के बाद तालपुरों का दौरे हुकूमत शुरू हुआ। इस दौरे हुकूमत में यानी तालपुरों के दौरे हुकूमत में 1782 ईस्वी से ये शुरू हुआ। इस दौर के अजीम शायर के तौर पर सचल सरमस का नाम सामने आता है, जिन्होंने सिंधी जबान के अलावा फारसी, उर्दू, हिंदी, सराइकी और दूसरी जबानों में भी शेर कहे। आपके कलाम में बेबाकी, मस्ती, कैफ, मजा और दिलकशी मौजूद है। इस दौर के दूसरे बड़े शायर सैयद साबित अली शाह हैं, जिन्होंने पहली मरतबा सिंधी जबान में मर्सीए को रवाज दिया। सन 1843 ईस्वी में अंग्रेजन सिंध फतह कियो। इन दौर में मौजूदा अलिक बेट है ऐं सिंधी मां तालीम आम थी। नवां लाड़ा सिंधी अदब मां जाइ वठंदा हुआ। हिन दौर जो अज़ीम शाइर क़ादिर बख़्श बेदल आहे, जिन्हनि जे शान मां तसवुफ़ जो उपहार ऐं सचल सरमस वारी बेबाकी ऐं फिक्र जी बुलंदी आहे। हिन दौर मां इस्लाही शाइरी जो बरवाज वधो। सन 1843 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सिंध को फतह किया। इस दौर में मौजूदा अलिफ बे तैयार हुई, यानी हरूफ़ तहजी बनाई गई। सिंधी में तालीम आम हुई। नए अल्फाजों ने सिंधी अदब में अपनी जगह बनाई। इस दौर के अजीम शायर क़ादिर बख़्श बेदल हैं, जिनके अशार में तसव्वुफ़ अपने उभार पर नजर आता है, सचल सरमस वाली बेबाकी भी नजर आती है और फिक्र भी बुलंद नजर आती है। और इस दौर में इस्लाही शायरी का भी रवाज पड़ा। गज़ल जा बुलंद पाया शायर पैदा थिया। इन दौर में नसर में घणी तरक्की थी। केतिरा ई नावे, ड्रामा, अफसाननि ऐं मज़मूननि जा मजमूआ शाया थिया। पहिरीं महापारी लड़ाई खां पोइ सियासी सुजाॻी जी लहर आई ऐं आज़ादी जी हलचल ज़ोर वठी वई। इन करे सिंधी लेखकनि समाज जी इस्लाह खां साथ सां गॾु सियासी मक़सद खे बसामू रखी लिखी पियो ऐं सिंधी अदब जी तरक़ी ऐं वाधारी लाइ घणो कुझु कयो। इस दौर में नसर में बहुत ज़्यादा तरक़ी हुई, यानी अदब बहुत ज़्यादा लिखा गया। नावेल, ड्रामे, अफसाने और मजमून के मजमूए छाया हुए और इसी दौरान पहली जंगे अजीम छिड़ गई, जिसकी वजह से सियासी बेदारी की एक लहर फैल गई। आज़ादी की हलचल ने जोर पकड़ लिया और सिंध के लिखने वालों ने समाज की इस्लाह के साथ साथ सियासी मकसद को भी अपने सामने रखकर लिखना शुरू किया और सिंधी अदब की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया। बच्चों, हमने सबक की वजाहत आपको की और अब हम सबक सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख का आगे का काम देखेंगे। असांजे साम्हूं हिसो अलिफ जेकी कसीरुल इंतिखाबी सवालात ते मुश्तमिल थींदा आहिनि ऐं हिन मां कुझु कसीरुल इंतिखाबी सवालात असीं पढ़ंदासीं। पहिरीं कसीरुल इंतिखाबी आहे, कलहोड़नि जी हुकूमत बाद देश जो दौर शुरू थियो
ऑप्शंस आइन अलिफ अंग्रेजन बे चालपुरन जीम अरगोनन ते मां सही ऑप्शन छा है बे असो सही ऑप्शन है चालपुरन कलोरन की हुकूमत बाद तालपुरन जो दौर शुरू थियो बई कसीरुल इंतखाबी है तालपुरन के दौर जो अजीम शायर डैश हो असो ऑप्शन आइन अलिफ सचल सरमस बे शाह भिटाई जी मखदूम अबुल हसन तेन में असो सही ऑप्शन है अलिफ असो सही ऑप्शन है तालपुरन के दौर जो अजीम शायर सचल सरमस हो तई कसीरुल इंतखाबी है तालपुरन के दौर जो बो वो शायर डैश है ऑप्शन आइन अलिफ सैयद साबित अली शाह बे हमन खान लोहारी जीम डॉक्टर गुरबख्शाई तेन में असो सही ऑप्शन है सैयद साबित अली शाह अलिफ असो सही ऑप्शन है तालपुरन के दौर जो बो वो शायर सैयद साबित अली शाह है चौथी तकरीर इंतखाबी है सैयद साबित अली शाह पेरियों पीरो सिंधी जबान में डैश जो रवाज वधो ऑप्शन आइन अलिफ काफी बे कवाली जीम मर्ची तेन में असो सही ऑप्शन है जीम असो सही ऑप्शन है मर्ची सैयद साबित अली शाह पेरियों पीरो सिंधी जबान में मर्ची जो रवाज वधो पंजी कसीरुल इंतखाबी है सैयद साबित अली शाह संडैश ईस्वी में वफात कई ऑप्शन आइन अलिफ 1805 1810 1815 तेन में असो सही ऑप्शन सही ऑप्शन है सैयद साबित अली शाह सन 1810 ईस्वी में वफात कई छई कसीरुल इंतखाबी सन 10 ईस्वी में अंग्रेजन सिंध फतह कई ऑप्शन आइन अलिफ 1841 1843 जीम 1845 ते इन मां असो सही ऑप्शन है प्यारा वारो तुम कोशिश करो शाबाश कोशिश करो जी असो सही ऑप्शन है 1843 सन 1843 ईस्वी में अंग्रेजन सिंध फतह कई सती कसीरुल इंतखाबी है अंग्रेजन के दौर में डैश में तालीम आम थी ऑप्शन आइन अलिफ अंग्रेजी बे सिंधी जीम फारसी तेन में असो सही ऑप्शन है बे सिंधी असो सही ऑप्शन है अंग्रेजन के दौर में सिंधी में तालीम आम थी अठी कसीरुल इंतखाबी है अंग्रेजन के दौर में नवा लाड़ा सिंधी अदब में जाए वठंदा वह इन डैश जो सबब बणिया ऑप्शन आइन अलिफ ताकत बे वुसत जीम कामयाबी तेन में असो सही ऑप्शन है बे असो सही ऑप्शन है अंग्रेजन के दौर में नवा लाड़ा सिंधी अदब में जाए वठंदा वह इन मां वुसत जो सबब बणिया नई कसीरुल इंतखाबी है अंग्रेजन के वायली दौर जो अजीम शायर डैश हो ऑप्शन आइन अलिफ कलीफो गुल मोहम्मद बे अली नवाज नाज जीम कादिर बख्श बैदल तेन में असो सही ऑप्शन जीम असो सही ऑप्शन है कादिर बख्श बैदल अंग्रेजन के वायली दौर जो अजीम शायर कादिर बख्श बैदल हो दही कसीरुल इंतखाबी है कादिर बख्श बैदल संदेश में वफात कई ऑप्शन आइन अलिफ 1878
इन मां असांजो सही ऑप्शन छा आहे? अठी सौ 72 यानी कादिर बख्श पैदल 1872 मां वफ़ात कई, यानी कसीरुल इंतखाबी आहे। अंग्रेज़नि जे दौर मां डैश जा बुलंद पाया शायर पैदा थिया। ऑप्शन आहिनि अलिफ गज़ल, बे काफ़ी, जी मर्चे। इन मां असांजो सही ऑप्शन छा आहे? अलिफ असांजो सही ऑप्शन आहे। गज़ल, अंग्रेज़नि जे दौर मां गज़ल जा बुलंद पाया शायर पैदा थिया। बारी कसीरुल इंतखाबी आहे। अंग्रेज़नि जे दौर मां डैश शायरी जो रवाज वापियो। ऑप्शन आहिनि अलिफ समाजी, बे इस्लाही, जी माशर्ती। तेन मां सही ऑप्शन छा आहे? इस्लाही, बे असांजो सही ऑप्शन आहे। अंग्रेज़नि जे दौर मां इस्लाही शायरी जो रवाज वापियो। तेरी कसीरुल इंतखाबी आहे। अंग्रेज़नि जे दौर मां डैश शाडो हिकु मक़सद हूंदो हो। ऑप्शन आहिनि अलिफ नसर नवेसन, बे मज़मून नवेसन, जीम शायरन। त हिन मां असांजो सही ऑप्शन छा थींदा? अलिफ नसर नवेसन। अंग्रेज़नि जे दौर मां नसर नवेसन आडो हिकु मक़सद हूंदो हो। चौधरी कसीरुल इंतखाबी आहे। पहिरीं महाभारी लड़ाई खां पोइ डैश सजागी जी लहर आई। ऑप्शन आहिनि अलिफ समाजी, बे साइंसी, जीम सियासी। तेन मां असांजो सही ऑप्शन छा आहे? जीम असांजो सही ऑप्शन आहे, सियासी। पंद्रहीं कसीरुल इंतखाबी आहे। सिंधी लेखकनि समाज जी इस्लाह सां गॾु सियासी मक़सद ऐं आज़ादी जी डैश बा साम्हूं रखी। ऑप्शन आहिनि अलिफ गाल, बे हलचल, जीम अकाणी। तेन मां सही ऑप्शन छा आहे? बे असांजो सही ऑप्शन आहे। सिंधी लेखन समाज जी इस्लाह सां गॾु सियासी मक़सद ऐं आज़ादी जी हलचल बा साम्हूं रखी। सोरहीं कसीरुल इंतखाबी। अंग्रेज़नि जे दौर मां मौजूदा डैश ठही ऐं सिंधी मां तालीम आम थी। ऑप्शन आहिनि अलिफ ॿोली, बे ग्रामर, जीम अलिफ बे। तेहिन मां असांजो सही ऑप्शन आहे जीम अलिफ बे। अंग्रेज़नि जे दौर मां मौजूदा अलिफ बे ठही ऐं सिंधी मां तालीम आम थी। सतरी कसीरुल इंतखाबी आहे। सुमन जे दौर जो अहम शायर हो अलिफ सचल सरमस, बे काज़ी काज़न, जीम शाह अब्दुल लतीफ मिठाई। हिन मां सही ऑप्शन छा आहे? बे काज़ी काज़न। सुमन जे दौर जो अहम शायर काज़ी काज़न हो। प्यारा वारो, कसीरुल इंतखाबी सवालात पूरो थियो ऐं हिन वक़्त असीं हिसो बे जेकी मुख़्तसर जवाबनि जे सवालात ते मुश्तमिल थींदा आहिनि हू पढ़ंदासीं ऐं हिन मां असांजे लाइ कुझु सवाल ऐं जवाब शामिल थिया आहिनि। हेठनि सवालनि जा जवाब लिखो। सवाल नंबर हिकु आहे, तारपुरनि जे दौर मां कहिड़ा मशहूर शायर थी गुज़रिया आहिनि? जवाब आहे, तारपुरनि जे दौर मां हज़रत सचल सरमस, सैयद साबित अली शाह, ख़लीफ़ो नबी बख़्श लग़ारी, सामी मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर ऐं फ़ताह फ़क़ीर सूमरो मशहूर शायर थी गुज़रिया आहिनि। बच्चों से सवाल में पूछा गया कि तारपुरों के दौरे हुकूमत में कौन से मशहूर शायर गुजरे? हमने जवाब दिया, तारपुरों के दौरे हुकूमत में सचल सरमस, सैयद साबित अली शाह, ख़लीफ़ो नबी बख़्श लग़ारी, सामी मोहम्मद सिद्दीक़ मुसाफ़िर और फ़ताह फ़क़ीर सूमरो ये मशहूर शायर गुजरे हैं। सवाल नंबर ॿियों, साबित अली शाह कहिड़े क़िस्म जो शेर चयो आहे? साबित अली शाह ने कौन से क़िस्म के शेर कहे हैं? जवाब, सैयद साबित अली शाह सिंधी ज़बान मां मर्चीअ वारो शेर चयो आहे। सैयद साबित अली शाह ने सिंधी ज़बान में मर्चीअ वाले अशार कहे हैं। सवाल नंबर टे, अंग्रेज़नि जे अवाइली दौर मां कहिड़ा लेखक थी गुज़रिया आहिनि?
अंग्रेजों के इब्तदाई दौर में कौन से लिखने वाले गुजरे हैं जिन्होंने अदब लिखा है? जवाब, अंग्रेजों के अवायली दौर में मुंशी उदाराम, शमसुल उलमा, मिर्जा कलेश बेग, दीवान कोड़ोमल, लालचंद अमर डिनोमिल, पीरोमल मेहरचंद ऐं डॉक्टर गुरबख्शानी मशहूर लेखक थी गुजरिया आहिनि। बच्चों, यहाँ अंग्रेजों के दौर के शायर आपको लिखने वाले बताए जा रहे हैं कि अंग्रेजों के इब्तदाई दौर में मुंशी उदाराम, शमसुल उलमा, मिर्जा कलीज बेग, दीवान कोड़ोमल, लालचंद अमर डिनोमिल, पीरोमल मेहरचंद और डॉक्टर गुरबख्शानी ये मशहूर लिखने वाले गुजरे हैं। सिंधी अदब की मुख्तसर तारीख जो हिस्सो जीम असांजे सामू आए, हिस्सो जीम मां असी सबक जो खुलासो या सिंधी पैराग्राफ जो तर्जुमो पढ़ंदा आयो। सिंधी पैराग्राफ जो तर्जुमो असी हिन सबक जे पहिरियों लेक्चर में पढ़िया आया ऐं हिन वक्त हिस्सो जीम मां असांजे लाइ खुलासो शामिल आहे। ही सबक सिंधी अदब जी तारीख़ ते मुश्तमिल आहे। सिंधी ज़बान क़दीम ज़बान आहे। अरबनि जे दौर मां क़ुरान शरीफ़ जो सिंधी ज़बान मां तर्जुमो थियो हो। सूमरनि जे दौर मां सिंधी शायरी औज ते हुई। रुहानियत ऐं अख़लाकियत जा सबक शायरी ज़रिए ॾिना वेंदा हुआ। सूमरनि खां पोइ सुमन जो दौर जो अहम शायर क़ाज़ी क़ासिम हो। बच्चो, इस सबक में सिंधी अदब की तारीख़ पर यह सबक मुश्तमिल है और ये बताया जा रहा है कि सिंधी जबान बहुत कदीम जबान है, पुरानी जबान है। अरबों का दौरे हुकूमत जब था तो कुरान शरीफ का सिंधी जबान में पहली बार तर्जुमा किया गया था। इसके बाद सूमरों का दौर शुरू हुआ। सिंधी शायरी उरूज पर थी। रूहानियत अखलाकियत के सबक शायरी के जरिए दिए जाते थे और सूमरों के बाद सुमन का दौर शुरू हुआ जिसके अहम शायर काजी कादर हैं। सुमन खां पोइ अरगोन, तुर्खान ऐं मुगलन जो दौर जो वॾो शाइर शाह अब्दुल करीम बुलरी वारो आहे। 1700 ईस्वी मां मखदूम अबुल हसन सिंधी रस्मुल ख़त खे बाक़ाइदा सूरत ॾिनी ऐं हिन मुक़दमत सलाह नाली किताब नज़म मां लिखियो। सुमन के बाद अरगोन, तुर्खान और मुगलों के दौर के बड़े शाइर शाह अब्दुल करीम बुलरी वारो गुज़रे हैं। 1700 में मखदूम अबुल हसन ने सिंधी रस्मुल ख़त को बाकायदा तौर पर सूरत दी, यानी सिंधी रस्मुल ख़त तैयार किया उन्होंने और साथ ही एक किताब भी लिखी मुकदमत सलाह जो कि नज्म जिसमें नज्में शामिल थी। 1707 ईस्वी खां सिंध जे कलोड़न जो दौर शुरू थियो जेको शाह अब्दुल अज़ीज़ पिटाई जे करे सिंधी अदब जो सुनहरी दौर सर्जे थो। जिन्हनि जे शेर मां फिक्र ऐं ख़्याल जी गहराई ऐं वुसत आहे त फन ऐं ज़बान जो ख़ूबियूं बि आहिनि। 1707 ईस्वी में सिंध पर कलहणो का दौर हुकूमत शुरू हुआ जो कि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की वजह से सिंधी अदब का सुनहरी दौर कहलाता है। आपके अशआर में फिक्र और ख्याल की गहराई भी है और वुसत भी है और साथ ही फन और ज़बान की खूबियाँ भी मौजूद हैं। 1722 का तारपुरम जो दौर शुरू थियो। हिन दौर मां सचल सरमा, सैयद साबित अली शाह, खलीफो नबी बख्श लुगारी, अमल खान लुगारी, सामी फताह फकीर वग़ैरह मशहूर शायर थी गुज़रिया आहिनि। सैयद साबित अली शाह जिन्हनि पहिरियों पीरो सिंधी ज़बान मां मर्चीअ जो रवाजु वधो। 1782 ईस्वी से सिंध पर तारपुरम का दौरे हुकूमत शुरू हुआ। इस दौर में सचल सरमद, सैयद साबित अली शाह, खलीफा नबी बख्श लुगारी, हमल खान लुगारी, सामी फताह फकीर वगैरह मशहूर शायर गुजरे हैं। सैयद साबित अली शाह जिन्होंने पहली मरतबा सिंधी जबान में मर्सीए का रवाज डाला। 1843 मां अंग्रेजन सिंध फताह कई, मौजूदा अलिफ बे ठही ऐं सिंधी मां तालीम आम थी। नसर मां तमामु घणी तरक़ी थी। केतिरा ई नावे, ड्रामा, अफ़साननि ऐं मज़मूननि जा मजमूआ शाया थिया। 1843 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने सिंध को फताह किया। मौजूदा अलिफ बे तयार हुई। सिंधी में तालीम आम हो गई। नसर में बहुत तरक्की हुई। बहुत सारे नावेल, ड्रामे, अफसाने और मजमूनों के मजमूए शाया हुए। बेशुमार किताब लिखिया विया। कैफियूं, अखबारूं ऐं रिसाला निकिरण शुरू थी विया।
सिंधी इल्मा दर्जी तरक्की वादारी लाए घणो कुछ कियो। बहुत सारी किताबें लिखी गई, कितने ही अखबारात और रिसाले निकलने शुरू हुए। सिंधी इल्मा दर्जी तरक्की के लिए जिन्होंने बहुत कुछ किया। अंग्रेजन के दौर जो अजीम शायर कादिर बख्श बेदल आए, लेखकन में मुंशी उदाराम, मिर्जा कलीज बेग, डॉक्टर गुरबख्शाणी वगैरह मशहूर आए। इन दौर में गजल जा बुलंद पाया शायर पैदा थिया आए। इन दौर में आला शायरी जो रवाज थो, शायरी जरिए मुसलमानन के सदागी जो पैगाम दिनो। अंग्रेजों के दौर के अजीम शायर कादिर बख्श बेदल हैं। लिखने वालों में मुंशी उदाराम, मिर्जा कलीज बेग, डॉक्टर गुरबख्शाणी वगैरह मशहूर हैं। इस दौर में गजल के बुलंद पाया शायर पैदा हुए। इस दौर में आला शायरी का रवाज पड़ा और शायरी के जरिए मुसलमानों को बेदारी का पैगाम दिया गया। पहली महापारी लड़ाई का सियासी सजागी की लहर आई, आजादी की अर्जर जोर बजी वही। इन्हीं करे सिंधी लेखकन समाजी इस्लाह सियासी मकसद ए आजादी की अर्जर बांजे सामूँ रखी। इन लेखकन में अलामा डॉक्टर दाऊद खोतो, अली खान अबड़ो, लेखराज कृष्ण चंद अजीज, मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर, मौलाना वफाई, पीर अली मोहम्मद राजदी वगैरह मशहूर आए। पहली जंग अजीम के बाद सियासी बेदारी की एक लहर बड़े सगीर में फैली और आजादी की हलचल ने जोर पकड़ लिया। इस वजह से सिंधी लिखने वालों ने समाज की इसलाह के साथ साथ सियासी मकसद और आजादी की हलचल को भी अपने सामने रखा। इन लिखने वालों में अलामा डॉक्टर दाऊद पोतो, अली खान अबरो, लेखराज कृष्ण चंद अजीज, मोहम्मद सिद्दीक मुसाफिर, मौलाना वफाई, पीर अली मोहम्मद राजदी वगैरह मशहूर हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारे सबक का खुलासा। प्यारा बारू असान जो सिंधी अदब जी मुख्तसर तारीख सबक जो लेक्चर पूरो थियो। एहिन मां सी तमां के घणो कुछ बुधायो, जिन सा सबक तमां के आसानी सा समझ मां आईंदो। असान जो लेक्चर पूरो थियो। प्यारे बच्चों, हमने आपको लेक्चर समझा दिया, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम आपसे ज्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।